हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार। ये एक छोटा सा सेशन है, एक पॉडकास्ट की तरह। मैं अपनी कुछ बातें आप सभी के सामने रखूंगा ताकि आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि आखिरकार शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में से ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन है। मैं जानता हूं आप में से ज़्यादातर लोग यंगस्टर्स हैं, आपके जेब में कुछ पैसे हैं और आपके दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा कि हम इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारे पैसे ग्रो हों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बुद्धिमानों का परिचय होता है। लेकिन हमारे मन में दो सबसे बड़े रास्ते आते हैं, एक का नाम है शेयर मार्केट और एक का नाम है क्रिप्टो करेंसी। अब हम इनमें से किस में इन्वेस्ट करें, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपका जवाब मिल जाए। और क्यों मैं एलिजिबल हूं आपका जवाब देने के लिए, क्योंकि दोस्तों लगभग पिछले एक साल से मैं शेयर मार्केट और स्टॉक्स खुद करता हूं, काफ़ी एक्टिव हूं इस फील्ड में। आप सबको सिखाता भी हूं शेयर मार्केट के बारे में, हज़ारों लोगों को मैंने इनवाइट किया है एंजल ब्रोकिंग क्लब में और आपको शेयर मार्केट करके पैसे कमाना सिखा रहा हूं, 20 से ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूं। और रही बात क्रिप्टो करेंसी में मेरे एक्सपीरियंस की, तो लगभग 6 महीने से इस मार्केट में भी काफ़ी एक्टिव हूँ। मैंने काफ़ी पैसे लगाए थे, काफ़ी पैसे निकाले थे, कुछ कमाए थे, कुछ हानि हुआ था। तो मैं आप खुद को एलिजिबल मानता हूँ कि आपको ये सजेशन दे सकूँ कि शेयर मार्केट ज़्यादा बेहतर है या फिर क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों मैं सारी बातें ओवरव्यू की तरह से कर लूँगा इस वीडियो में, लेकिन एट लास्ट आपको एक निष्कर्ष बता दूंगा कि इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन है। वो निष्कर्ष पे आप स्किप करके वीडियो पे ना पहुंच जाएं, आपको बीच की बातें भी सुननी हैं, वही आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा और नॉलेज इन्हेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस के बारे में, इन दोनों ही फील्ड के एडवांटेजेस क्या हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट या स्टॉक्स के एडवांटेजेस ये हैं कि ये इंडिया में या दुनिया में काफ़ी समय से है, कई दशक से लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। हमने अक्सर सुना होता है कि हमारे फूफा के फ्रेंड ने शेयर मार्केट से पैसे कमा के घर बनवा लिया। हमने देखा होता है कि हमारे घर के सामने एक आदमी हर समय करता रहता है, बेच दो खरीद दो, बेच दो खरीद दो, और हमको लगता है कि हाँ ये अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, हर समय फ्री रहता है, कहीं ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि शेयर मार्केट दुनिया में एग्जिस्ट करता है, काफ़ी समय से है, लोग पैसा कमाने एक ट्रस्ट बना हुआ है। 90% लोग तो गैम्बलिंग इसको भी समझते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है उनका ट्रस्ट बना हुआ है। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेजेस क्या है? अगर शेयर मार्केट का एडवांटेज ये था कि स्टेबल और ट्रस्टवर्दी है, तो क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों एडवांटेज ये है कि ये हाई प्रॉफिटेबल है। हमारी आंखें ये यकीन नहीं कर पा रही हैं कि 4 महीने पहले बिटकॉइन 25 लाख में था और जस्ट 4 महीने बाद बिटकॉइन 50 लाख का हो गया। हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्यों हमने 4 महीने पहले 2 लाख रुपए लगा के 4 लाख रुपए नहीं कर लिए थे। हम ये नहीं यकीन कर पाते हैं कि जो डोगी कॉइन 1 रुपए का होगा, वो डोगी कॉइन 5 महीने बाद कम से कम 400 रुपए का हो गया। मन में बार बार सवाल आता है कि हम आज ही पैसे लगा दें और हमारा पैसा खूब तेजी से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एडवांटेज है दोस्तों स्टेबिलिटी, और क्रिप्टो करेंसी में एडवांटेज है हाई प्रॉफिट। अब दोनों के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो शेयर मार्केट का डिसएडवांटेज है दोस्तों इसका टेडियस प्रोसेस। आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट में इन्वेस्ट करने के बाद आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, कंपनी को चुनना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, कौन सी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी लॉस में जाएगी आपको नहीं पता है। ये देखने के बाद दोस्तों अगर आप पैसे लगा देते हैं तो फिर वो पैसे 2 दिन बाद आपके पास आते हैं, उसको निकालेंगे तो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से वो ब्रेक डाउन होकर आपके अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। शेयर मार्केट में डिफिकल्ट प्रोसेस के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि बहुत हाई ग्रोथ नहीं है यहां पर स्टेबल ग्रोथ होगा और मैक्सिमम दोस्तों 20% हाई मार सकती है कोई भी कंपनी। और रही बात क्रिप्टो करेंसी की, तो दोस्तों यहां पर आपको डिसएडवांटेज मिलेगा कि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। 25 लाख से 50 लाख गया था बिटकॉइन में और 50 लाख से वापस से 23 लाख में आ गया आज 2 दिन पहले। सोचिए दोस्तों इतना अनस्टेबल कोई भला कैसे हो सकता है। एथेरियम जो 3,40,000-50,000 तक गया था वो गिर के 1,55,000 में आ गया। दोस्तों इतना अनस्टेबल कोई कैसे हो सकता है, और अनस्टेबल हो भी क्यों ना, आखिरकार ये कोई कंपनी थोड़ी ना है, ये तो बस फ्लोटिंग कॉइन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। जितने लोग इसमें आएंगे उतना इसका वैल्यू बढ़ेगा, एक बबल समझिए, जितने लोग बबल में आ रहे हैं उतना बबल बड़ा हो रहा है और उतना ही दोस्तों कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। अब जब लोग डर के बाहर निकलने लगेंगे तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, बस यही है। और शेयर मार्केट में वैल्यू कब बढ़ती है, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उसके फंडामेंटल्स के बेसिस पे कंपनी का शेयर प्राइस और वैल्यू बढ़ता है, इकोनॉमी पे बढ़ता है। पर यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जितने लोग अंदर आएंगे उतना बढ़ेगा। और कुछ कुछ कॉइन जैसे मीम कॉइन है आजकल के, वो दोस्तों बबल कब फट जाए ये भी नहीं पता है, आपके पैसे कब सब चले जाएँ ये भी नहीं पता है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज शेयर मार्केट का टीडीएस प्रोसेस और लो ग्रोथ है, और क्रिप्टो करेंसी का डिसएडवांटेज अनस्टेबिलिटी है।
ये दोनों बात आप मन में रख लीजिए। मैंने आपको एडवांटेजेस भी बता दिए दोनों के, डिसएडवांटेजेस भी बता दिए। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ दोस्तों। शेयर मार्केट, क्योंकि हमको मेन तो पैसे कमाना है, शेयर मार्केट में मैंने जितना पैसा लगाया है दोस्तों और जितना कमाया है वो एक स्टेबिलिटी के साथ आया है। ऐसा नहीं हुआ है कभी भी कि मैंने बहुत पैसे कमा लिए हों। हाँ, एक दो बार हुआ है कि मैंने IPO में लगाए थे तो 2-3 गुना हो गए थे पैसे, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ही होता है और बहुत रेयरली होता है। पर शेयर मार्केट में आप पैसे लगा देते हैं सही टाइम पर, थोड़ा बुद्धिमानी से खेलते हैं, तो आपके पैसे रेगुलर रिटर्न पे आते हैं और हमेशा आते रहेंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन यही पैसे आप क्रिप्टो करेंसी में लगाएंगे तो कब क्रिप्टो बैन हो जाएगी आपको नहीं पता है। चाइना में क्रिप्टो बैन हो गया, 90% माइनिंग वहाँ होती थी बिटकॉइन की, वो भी बैन कर दिया गया। सोचिए जो लोग पैसा रखे होंगे उनका क्या होगा, उनकी तो हालत ख़राब हो गई होगी। हालांकि होल्डिंग का रिटर्न आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पूरी मार्केट क्रैश हो गई, एलॉन मस्क ट्वीट कर देंगे, वैल्यू भी गिर जाएगी, तो आप क्या कर लेंगे। इसके अलावा वजीरएक्स, जो कि इंडिया में सबसे अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग करने का क्रिप्टो करेंसी में, कभी कभार वो डिपॉजिट और विड्रॉल ही बंद कर देता है, आप पैसे उसमें डाल ही नहीं पाएंगे जब मौका रहेगा, प्राइस गिरेगी। और जब निकालना होगा दोस्तों तो फिर आपको लगेगा कि यार इसका तो बैंकिंग पार्टनर ही नहीं काम कर रहा है। वो लोग तो लिख देते हैं कि ICICI बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम पेटीएम बैंक में जा रहे हैं, पेटीएम नहीं सपोर्ट कर रहा है, हम SBI में जा रहे हैं और वहां भी नहीं कर रहा है, तो येस बैंक में जा रहे हैं। और वजीरएक्स इसी तरह आपको परेशान करता रहेगा, क्योंकि दोस्तों स्टार्टअप है, नया चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, कोई 20-25 साल पहले की चीज नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, ओवरकम होंगी, क्या आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, क्या आप इतने पैसे लगा सकते हैं कि अगर वो पैसे गायब भी हो जाए तो आपको डर नहीं, तो फिर आप क्रिप्टो करेंसी के साथ जाइए। लेकिन अगर आपको स्टेबल ग्रोथ चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे चाहिए, तो शेयर मार्केट। इससे आप ये बिल्कुल ना समझिएगा कि क्रिप्टो करेंसी बेकार है या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करिए, पैसे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मन में हमेशा ये बात रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी का कोई भरोसा नहीं है। इंडिया में RBI एक विंग बनाई है, एक कमिटी बनाई है जो कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेंगे, और आने वाले समय में लॉ आ जाएगा प्रॉपर जिसमें क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड करेंसी है। और कब आएगा, कब आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। सारे बैंकिंग पार्टनर ने सभी एक्सचेंज बॉडीज से रिश्ता नाता तोड़ लिया है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। पैसे कमा तो रहे हैं लोग, लेकिन दोस्तों कब तक कमाएंगे नहीं पता है। तो दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है इस वीडियो के कन्वर्सेशन के बाद, कि आप सभी को अगर पैसे लगाना है तो आप शेयर मार्केट चुनिए और बुद्धिमानी से पैसे लगाइए। बुद्धिमानी से लगाएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, नहीं बुद्धिमानी से लगाएंगे तो कम कमाएंगे, और बेवकूफ़ी से लगा देंगे तो लूज कर जाएंगे। बुद्धिमानी से कैसे लगाने हैं, मेरी सारी वीडियोस को देखिए, तब जाके आप लगाइएगा। 20 वीडियोस हैं लगभग मेरी, और 5-10 मिनट की एक वीडियो होगी, तो आप आधे दिन में सब देख सकते हैं, आप खुद बखुद समझ जाएंगे कैसे पैसे लगाना है। और क्रिप्टो करेंसी में भी लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लेकिन ऐसा मत लगाइएगा कि अगर वो पैसे डूब गए या चले गए तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा मत लगाइएगा, एक सेफ प्ले करिएगा। पर मेरा दोस्तों फाइनल प्रेडिक्ट है शेयर मार्केट, और मैं इसको ही चुनूंगा अगर इन दोनों में मुझको पैसे लगाने हो, या फिर पैसे कमाने हो, या पैसे बढ़ाने हो। 3 साल बाद शेयर मार्केट के भी पैसे लगभग डबल हो सकते हैं अगर मैंने बुद्धिमानी से इन्वेस्ट किया है, और क्रिप्टो करेंसी में 3 महीने में डबल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों 3 महीने में जब वो डबल हो जाएंगे, उसके बाद पैसे मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं, RBI बैन कर दे रहेगा कि नहीं, इस बात का भरोसा नहीं है। बस दोस्तों इस वीडियो को यहीं ड्रॉप करता हूं। शेयर मार्केट में पैसे आपको लगाने हैं, आपको नहीं पता कैसे लगाए जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक है एंजल ब्रोकिंग की, वहां से आप अकाउंट खोल के पैसे लगाना शुरू कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाना होता है, अपने बैंक और आधार कार्ड वगैरह प्रोवाइड करिए और फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, फुल्ली ट्रस्टेड है, मैं खुद उसको यूज करता हूं। एक और लिंक है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की, जिस वीडियो मैंने आपको सिखाया है कैसे आप अकाउंट ओपन करके शेयर्स खरीद सकते हैं और 2000-3000 रुपए से ही शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो आप वजीरएक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, पर्सनली मैं भी उसको इस्तेमाल करता हूँ। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी, उम्मीद है कि ऐसे पॉडकास्ट और छोटे सेशंस आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी सवाल हो ऐसे तो कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की सोचूंगा। दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।